नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको पता है दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव काफी जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप रोजाना लग रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी की बुराइयां ठोके जा रही है। ऐसे में पहुंचे हैं हम मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड में, गांव घुमनेड़ा में, जहां पर आजाद उम्मीदवार हैं हमारे साथ राव सतवीर सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे बनाया है उन्होंने इस दंगल में उतरने का फैसला। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हूँ, पंचायती उम्मीदवार हूँ। लगभग 15 गांव की एक सामूहिक पंचायत हुई थी घुमनेड़ा में, और उन्होंने ये मुझे आदेश दिया, निर्णय लेकर आदेश दिया कि आप इस बार जो है पंचायती उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ें, और यहाँ की जो तमाम योजनाएं 50 साल में अभी तक यहाँ पे काम नहीं हुआ, पूर्व विधायक और पूर्व पार्षदों ने और पूर्व सांसदों ने यहाँ पे जो काम नहीं करवाए हैं उन सभी कामों को पूरा करवाएं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। अब जहाँ क्षेत्रों के विकास की बात आती है, देखिए पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है दिल्ली में, और अभी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सर्वे जो बता रहे हैं वो दोनों का आपस में बहुत टक्कर कांटे की बता रहे हैं। कोई कहता है 200 सीट से ऊपर आएगा, तो कोई कहता है 20 सीटें आएंगी। अब आप पंचायती तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से टक्कर है आपकी इन दोनों के साथ? ये दोनों के तीनों पार्टियां कहीं कंपटीशन में नहीं है, और आप इस बार देखेंगे कि क्षेत्र की जनता ने, विशेष तौर पर इन 15 गांव के लोगों ने मन बनाया हुआ है कि इस बार छावला वार्ड नंबर 125 से वो राव सतवीर सिंह के रूप में अपना प्रतिनिधि चुन के स्वयं को वोट देंगे छावला वार्ड के जो है सभी मतदाता जो है। एज ए मीडिया के रूप में अगर मैं आपसे बात करूँ तो राव सतवीर जी, आपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार के काम किए बिना सीट पर रहते हुए, बिना राजनीति में आए हुए, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरत है। मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने जो एक यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एक सैनिटरी वेस्ट एक लैंड एक आइडेंटिफाई की थी, जो कूड़े के पहाड़ बनाती है दिल्ली सरकार, जो वो यहाँ पे घुमनेड़ा में आइडेंटिफाई की थी। हम लोगों ने अपनी जो पंचायत व्यवस्था है उसमें पंचायतों को इकट्ठा करके और दिल्ली सरकार को, उस टाइम में स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित, श्रीमती शीला दीक्षित जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थी, उनको घुटने पे ला के सरकार को बिल्कुल वो योजना रद्द करवाई, क्योंकि दिल्ली देहात के साथ में हम किसी भी कीमत पे और किन्हीं भी परिस्थितियों में अन्याय कति बर्दाश्त नहीं करते। तो उसके बाद में अभी रावता गाँव व आसपास के लगभग 14-15 गाँव हैं, जिसमें हरियाणा के गाँव भी है, सीवरेज में नालों का पानी 60 वर्ग किलोमीटर में बीते 20 वर्षों से किसानों व सैनिकों के खेतों में भरा हुआ है, उस समस्या को लेके हम एक जन आंदोलन चला रहे हैं। जनवरी में हमने वो स्टार्ट किया था, और दिल्ली सरकार ने एक एनजीटी में झूठे एफिडेविट दिए, झूठे हलफनामे देकर ये कहा था कि यहाँ पे 90% जमीन सरकारी है, जबकि यहाँ पे सच्चाई ये है कि 90% जमीन यहाँ पे किसानों की है। और ये जो अभी फ्री फ्री की झांसेबाज केजरीवाल सरकार है, इसने दिया दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, और आप सभी देख रहे होंगे कि ये फ्री फ्री के झांसे देकर जहां तहाँ सरकारें हतियाती रहती हैं। मेरा जो एमसीडी में 15 साल से बीजेपी बैठी हुई थी, वहां पे जो अभी यहां पे पिछली बार भी निर्दलीय ही पार्षद रहा था, उससे पिछली बार भी निर्दलीय रहा था, उससे पिछली बार भी निर्दलीय रहा था, तो यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। यहाँ की दिशा और दशा तब बदलेगी जब यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे, क्योंकि पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास ये रहा कि यहाँ पे आज तक किसी भी नेता ने या किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक कोई काम नहीं करवाया है। अभी पीछे हमने एक कार्यक्रम देखा था आपके दुर्गा विहार का, जब घुमनेड़ा बाढ़ में था दुर्गा विहार का जो क्षेत्र है, तो अभी आपने बताया कि निर्दलीय पार्षद थे वो भी, आप पार्टी के थे, तो वहां पर क्या देखा हमने कि बल्लू पहलवान और कई काफी सारे कार्यकर्ता लोग मिलकर उसको धरना प्रदर्शन को रखे थे, क्योंकि वहां मैंने देखा कि पूरी गली में पानी भरा हुआ था, घुटनों पानी भरा हुआ था, और उन्होंने बताया कि वो पानी जब जाओ तब आपको भरा ही मिलेगा। ये सही है, मैं भी दुर्गा विहार परसों गया था, वहां के जो प्रधान है
करोनीस के जो प्रधान हैं और दीनपुर एक्सटेंशन में जो प्रधान है, उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जल भराव की, जो सीवरेज नालों का पानी है उसके जल भराव की समस्या है, और वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसमें छोटा सा काम है। वो काम जो अभी 15 साल में नहीं हो पाया है वो मैं 15 दिन से पहले करने का वायदा करता हूँ, और उसमें मैंने वहाँ का निरीक्षण भी किया था और मैंने वो देख लिया था कि इसमें किस योजना के तहत ये काम किया जा सकता है। और मैं तमाम कॉलोनी के जो दुर्गा विहार, दीनपुर एक्सटेंशन, अपना छावला में सोमेश विहार है, अर्जुन विहार है, वो जो तमाम कॉलोनीज है उन सभी के मतदाताओं को, मातृशक्ति को और युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि जो एमसीडी के जो अधिकारी लोग, जब आप घर बनाते हो नया, वो जो लोग भ्रष्टाचार वहाँ पे फैलाते हैं, मेरे चुनने के बाद में एक भी रुपये आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और वहाँ पे करप्शन फ्री एटमोसफेयर हम आपको देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है राव सतवीर जी के, हर आदमी जब चुनावी मैदान में आता है तो बहुत सारी बातें अच्छी करता है और जनता को बहलाता है, फुसलाता है, कोई दारू देकर, कोई पैसा देकर, कोई प्यार करके अपने वोट ले लेता है और उसके बाद वो चैन से सो जाता है, तो फिर आप पर विश्वास जनता क्यों करे? पिछले 25 साल में मैं राजनीति में जो काम करता आया हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ और जनता के प्यार से मैंने यहाँ पे जो अभूतपूर्व काम कराए हैं, चाहे वो अभी ये सीवरेज में नालों का समस्या वाला पानी बात हो, या वो जो सैनिटरी वेस्ट लैंडफिल वाला बात हो, अभी दोराड़ा गांव में एक हमारे भारतीय सेना के सैनिक शहीद हुए थे, उनका दिल्ली सरकार द्वारा जो अपमान किया गया उसको सम्मान दिलाने की बात हो, अभी नानकहेड़ी गांव में जो एक रोहिंग्याओं के लिए स्कूल बनाने की जो एक योजना थी दिल्ली सरकार की, स्ट्रीट चाइल्ड रेजिडेंशियल स्कूल की आड़ में, चाहे वो बात हो, यहाँ पे अनेकों ऐसी चीज़ हैं। और दूसरा ये था कि यहाँ पे अनेकों ऐसी चीज़ हैं कि जो आप लोग मेरा कुछ भी ना बनने, नेता ना होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे काम करवाए हैं, स्कूल के क्षेत्र में भी, एक जो लोकल डेवलपमेंट होती है जो पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए रोजमर्रा की जो सुविधाएं होती है उस वाले क्षेत्र में होगी, यहाँ पे जो वृक्षारोपण वाली वो होगी, चाहे देश के हित में, देश में जो प्रभात फेरी हम निकालते हैं देश हित में, चाहे उनकी बात होगी, और एक विशेष यहाँ पे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है पूरा 26 गाँव है, यहाँ पे गो हत्या और गो तस्करी का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर हम पिछले 20 साल से सजग हैं और सजग प्रहरी की तरह यहाँ पे काम करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेकर कई बार हम लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई है, क्योंकि गौ हमारी माता है और हम जिस धर्म में, सनातन धर्म में हिंदुत्व की जो तमाम नियमावली है उसकी अनुरूप हम जीवन जीते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में हमने कुछ भी ना होने के बावजूद भी उन तमाम समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है और बहुत सारी समस्याएं हम लोगों ने हल भी कराई। तो दोस्तों कहा गया है कि वक्त वक्त की बात हो तो वक्त हो तो बलवान, वीला में टूटी गोपियां वही अर्जुन वैवान। तो आज इस बात को कह रहे हैं राव सतवीर जी कि जो पीछे हुआ, जितने पार्षद आए उन्होंने जितनी बातें की, शराब दी, पैसा दिया, प्यार किया, झूठा प्यार किया और फिर काम नहीं किया, वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि हम गौ भक्त हैं और हम गौ माता को मानने वाले हैं, तो हम आपकी सेवा जरूर करेंगे। यहाँ एक सवाल और है आपके साथ कि जनता ये भी तो जानना चाहेगी कि आप जब, क्योंकि भरोसे के साथ आपको वोट देगी जनता, तो कम से कम जनता को ये भी पता होना चाहिए कि आप ऐसे कौन से 5 काम शुरू में करेंगे हमारे, जिनसे हमें हमेशा के लिए लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहला तो जो कॉलोनीज हैं हमारी, अनऑथराइज कॉलोनीज है, उसमें बिल्कुल करप्शन फ्री एटमोसफेयर हम देंगे। दूसरा, वहाँ पे पोल फ्री स्ट्रीट देंगे हम, जो बहुत सारे घरों के सामने, दुकानों के सामने या जहाँ तहाँ जो पोल लगे हुए हैं उनको पोल फ्री स्ट्रीट देंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर बनवा के कॉलोनी के दूसरी तरफ, उसमें हम वो एक व्यवस्था होती है, एक डिज़ाइन हमने करवा रखा है पहले एडवांस में। दूसरा, जो देहात का जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पे गो तस्करी और गो हत्या पूर्णतः बंद होगी। दूसरी बात, यहाँ पे विदेशी कीकरें बहुत सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं और उन विदेशी की सभी विदेशी कीकरों को निकाल के हम बरगद के, बड़ के और पीपल के पेड़ लगवाएंगे और बहुत सारे फलदार वृक्षों का यहाँ पे वृक्षारोपण करवाएंगे। और यहाँ पे जो ये हमारा यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी समस्या थी आप में बिजली के छापे डालने की, हालांकि वो निगम का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तमाम गांव के लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे इस बार वोट दीजिए और आप देखेंगे कि ढांसा से लेकर छावला तक किसी भी गाँव में ये जो बिजली एजेंसीज हैं, जो
विभाग वाले हैं, BSA, एक भी गांव में कहीं पे भी एक भी बार छापा नहीं डाला जाएगा, क्योंकि अवैध वसूली है इन छापों की आड़ में। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस बात पर विचार कीजिएगा, जब दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि फ्री बिजली और फ्री पानी, तो फिर बिल क्यों और ये मीटर क्यों? ये मीटरों के नाम पे जब फ्री बिजली होगी तो मीटर लगाए लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ता है उस बात से? तो हमें कैसी व्यवस्था लेके आएंगे और दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी देकर ये बताएंगे कि फ्री बिजली और फ्री पानी के साथ में जो वायदा करके आप लोगों ने वोट लिया, फ्री फ्री के झांसे देकर आपने वोट लिया, और उन तमाम योजनाओं को आपको यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। तो जी कहते हैं भारत देश भाव का देश है, कहते हैं भावना में भाव है और भाव से बेड़ा पार है, क्योंकि एक तो ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं, गौ भक्त हैं, गौ तस्करी को रुकवाते आए हैं अब तक, और बहुत सारे काम क्षेत्र में बिना नेता हुए करते आए हैं। तो उम्मीद है मुझे कि राव सतवीर सिंह इस मामले में खड़े उतरेंगे और सीट पर आने के बाद आप लोगों के सारे कार्य जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN News, दिल्ली।